दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान खान आपका इस्तकबाल करता हूं और आज हम मौजूद हैं अर्पित भाई की छत पे। ये जो पूरा लॉफ्ट दिख रहा है आपको अर्पित भाई का है हमारे, और अर्पित भाई के बारे में मैं कुछ बाद में बताऊंगा, लेकिन अर्पित भाई से पहले अपन क्वेश्चन करें। अर्पित भाई नमस्ते। नमस्कार। क्या हालचाल जनाब? सब बढ़िया। अर्पित भाई मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने शौक की शुरुआत करी वो कब किस उम्र में करी थी? मैं 3 साल का था जब से मैंने कबूतरबाजी चालू करी है। मेरे को अभी तक याद है 57 रुपये के 6 कबूतर में लेके आया था जी, जब मैं अपनी शॉप पे बैठा था जी। 3-4 साल का था। मेरा भैया जित्तू भैया, देवेन भैया, सबसे पहले कबूतर वही दिला के लेके आया भोपाल टाकेज वाली हाइट जी जी। तो उसके बाद शौक परवान चढ़ता गया, और जब उड़ाने का शौक आया तो क्या उस्ताद वगैरह बनाए या बिना उसके चालू करी? हाँ, जब तो क्या है कि पुराना घर था, जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ कभी इतना इंटरेस्टेड उड़ान का नहीं रहा। हाँ, पर ये कि चौक की मस्जिद के कबूतर और हमारे कबूतर बिल्कुल आजू बाजू में थे, तो पूरी चौक की नस्लें भी मेरे पास बहुत सारी रही है मस्जिद की। और उस वक्त में कबूतर 3-3, 4-4, 5-5 बजे आते थे और हम लोग होश में नहीं रहता था, बच्चे थे, तो हम सोचते थे कि कहीं बैठ के आता, कहीं बैठ के आता। फिर जब ये नया वाला मकान लिया इतवारे में जी, तो ये मकान पे शुरुआत करी, कबूतर उड़ाना चालू करे और अच्छी फड़कों पे भी कबूतर। अब अनफॉर्चुनेटली ये कि घर के पास में एक मस्जिद है जी, तो बस वहाँ बेरी आके बैठ जाती सुबह सुबह, और वो 4-5 बार मेरी उड़ाने खूब खराब करी जी। वो ऐसा होता ही है कई बार। हाँ, तो क्या उस्ताद से सीख रहे हैं कबूतरबाजी या अपने आप ही सीख? नहीं, मेरे को हुनर तो मुझे कुछ भी नहीं आता। बड़े भैया हैं, संजय भैया हैं, जित्तू भैया हैं जी, तो ये सलाह दे देते, रायन भैया हैं, वो सही सलाह दे देते हैं कि आप ये नस्लें वो नस्लें, तो बस बना रखें घर के कबूतर जी। तो आप पहले ग्रेवास बहुत अच्छे उड़ाते थे, क्योंकि मैंने आपका नाम बहुत सुना था ग्रेवास के अंदर जी जी। उसके बाद मद्रासी भी कैसे कन्वर्ट हुए थे आप? मद्रासी क्या है, जब 3-4 बार जब मेरी उड़ाने खराब हुई, सुबह उड़ते से कबूतर अधड़ पक जाता, फिर बेरी का जोड़ा आके 5 कबूतर एक दिन उड़ान वाले पटक के गया, रोडों पे पटक के गया, दूसरी उड़ान वाले दिन 3 कबूतर फाड़ के गया, तो 2-3-4 उड़ाने मेरी मेन खराब हुई, उम्मीदों वाली उड़ान के। हाँ, उम्मीद है कबूतर बहुत अच्छे उड़ेंगे, फड़कों पे 2-2 बजे तक के कबूतर लगाए थे जी। फिर जब जाके गुस्से में मैं मद्रासी, क्या ये ऐसा कबूतर है जो बेरी बाज के हाथ में नहीं आया। तो अब फिर मद्रासी से वापस ग्रेवास भी आपके पास? मद्रासी का क्या है कि भोपाल रेड अलर्ट मानते हैं देवास वाले, उज्जैन वाले, और वो कहते हैं कि आप 5 एंट्री लाओ, 5 एंट्री भोपाल से। मैंने तो ये तक कह दिया कि साहब आप तो 5,000 की रसीद मेरी अकेले की काट दो जी, मुझे कोई अर्ज नहीं, आपका आने जाने का टिकट मैं कराऊंगा। पर उनको देशा दी हो गई कि नई उम्र के लड़के ने 8:30 बजे तक कबूतर उड़ा दिए जी। दोस्तों यही बात मैं बता रहा था कि हमारे अर्पित भाई के कबूतर रात को उड़ते थे यहाँ पे, और जो इतवारे का बाजार है मैं अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाऊंगा, जब ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, तो नीचे पूरी भीड़ लगी रहती थी और फ्लड लाइट्स में पूरे कबूतर उड़ते रहते थे। और भोपाल के आप किसी भी बंदों को जानते हो तो उनसे पूछेगा आप अर्पित भाई के कबूतर रातों में कैसे उड़ते थे, और नीचे पूरे इतवारे में भीड़ जम जाती है। सही बोला जी जी, संजय भाई बहुत खतरनाक भीड़ जमती थी और सब कबूतर देखने आते थे अर्पित भाई के कबूतर रात में उड़ रहे हैं, वो मद्रासी पंजाबी, मतलब सॉरी मद्रासी मद्रासी है, पंजाबी नहीं है, लेकिन वो वर्डिंग्स आते हैं हमेशा कि मद्रासी पंजाबी साथ में नीचे वाली नस्लें दोनों मद्रासी पंजाबी। तो बहुत ज़बरदस्त कबूतर उड़ाए थे हमारे अर्पित भाई ने, और अब वापस ग्रेवास के अंदर आ गए हैं, तो कुछ ग्रेवास का शौक भी करवाएंगे। मद्रासी अभी भी रख रखे हैं? मद्रासी है मेरे पास 24-25 कबूतर हैं जी अभी। फिर मेरे भैया हैं अतुल यादव जी, मुख्य मतलब अतुल यादव, नवीन यादव बड़े भाई भी हैं उज्जैन में, और सलाहकार भी वही है मद्रासी हो जी। तो अभी उनका था कि वापिस देवास में टूर्नामेंट होने वाला, इंदौर का टूर्नामेंट होने वाला, वो कबूतर वापस से उड़ाने जी, और हमें भोपाल का एक प्राइस चाहिए, तो वो 24 कबूतर रख रखे हैं, और अब जाके उनके कुछ थोड़े अंडे वंडे हो जाएंगे तो हो जाएंगे, 30-1 कबूतर उसमें तो उड़ाएंगे कबूतर। तो आज आप मद्रासी का शौक करवाएंगे या? मद्रासी भी है मेरे पास, मद्रासी का भी कर लीजिए, बाकी अभी गिरेबाजों का अच्छा शौक करा देंगे। भैया भी है, गिरेबाज के मेरे संजय भैया ही हैं आदमी, और संजय भाई के घर पे जाने का बहुत शौक है हमें, कि संजय भाई के पास जो ग्रेवास कबूतर है, यानी कि हमारे देसी कबूतर जिनको कई लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त शौक है संजय भाई के पास। संजय भाई आपको पूछना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप दोनों मिलके शौक कर रहे हैं सच्चे, तो आपको कब से ये शौक? बहुत पुराना शौक है अभी जी, 4-5 साल 1 रुपये का कबूतर मिलता था जी, जब से कबूतर लेके आए 1.25 रुपये 1 रुपये 1.5 रुपये का बस लगा है, तो लगा हुआ है जी। और दोस्तों बताया जाऊंगा, संजय भाई हम सबकी बैठक एक ही जगह है, जब रात को अभी ठंडों के अंदर बैठते हैं तो साथ में बैठते हैं हम सब। तो संजय भाई जो उड़ाने का शौक है वो आपका इस छत से पूरा कर रहे हैं आप पूरा जी सर? और जी हाँ, वहाँ पे वो कलर से हम पता लग जाता है कि ये आपके कबूतर हैं, क्योंकि वहाँ पे 3-4 जो उड़ाने वाले सबके कलर अलग अलग लगे रहते हैं, ताकि समझ में आ जाता है कि संजय भाई के कबूतर उड़ रहे हैं और ये हमारे अनवर भाई के उड़ रहे हैं, दोनों के कलर अलग अलग से पहचान में आते हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं अपन, ग्रेवास का शौक भी होगा और मद्रासी का शौक भी होगा, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए एक बार आपको दिखाते हैं कुछ खास कबूतर हमारे अर्पित भाई के और साथ में संजय भाई के। कर रहे हैं हम हमारे अर्पित भाई के मद्रासी कबूतर से। अर्पित भाई इनके बारे में कुछ बताइए।
ये साहब नफ्ते कहते हैं इनको जी, और ये दिल्ली की मशहूर नस्ल है और एमपी वाले भी बहुत इनको यूज कर रहे हैं आजकल उड़ानों में। पक्के नजर के भी पक्के और उड़ान के भी पक्के होते हैं नफ्ते। ये हाँ जी, ये कबूतर 11-11.5 घंटे मेरे यहाँ उड़ा हुआ है। पिछले साल टूर्नामेंट में भी उड़ाया था मैंने उसको जी। और ये कबूतरी भी दिल्ली की है मेरे पास, मेरे भाई हैं सुनील भैया कांटे वाले, उनके यहाँ की कबूतरी, उनने स्पेशली कबूतरी उनके यहाँ की एक नस्ल मेरे को दी थी। ये भी मेरे अभी गर्मी में 8-8 घंटे उड़ी हुई है। चलिए इनकी आंखों का शो करते हैं अपन। ये नरी वाला जी दोस्तों, ये आग देख सकते हैं आप, तो ये पर और दिखा दिए अर्पित भाई। ये वाला कितने 9 घंटे उड़ा हुआ कबूतर, 11 घंटे उड़ा हुआ, 11 घंटे ये टूर्नामेंट में मेरा उड़ा हुआ है, रंग लगा हुआ है जी, ऑरेंज रंग लगा था इसके जी, तो साफ हो गया होगा आप जी। ये 2017 में उड़े थे, 2017 के अंदर, तब से ही आपके पास मौजूद है जी जी जी। बहुत बेहतरीन, इसके पंजे और दिखा दीजिए, बिल्कुल जामनी पंजे, और बंद दुम का कबूतर है जी। तो ये दुम भी देख सकते हैं आप, सिंगल पत्ती दो में जी। ये फीमेल लगा रखी है वाली है ना जी। दोस्तों आज देखिए, बहुत सालों के बाद शायद लास्ट मैंने वीडियो बनाया था दिल्ली के अंदर बॉबी भाई का मद्रासियों को, उसके बाद आज अर्पित भाई का मद्रासियों का शौक देखने को मिल रहा है। ये मादी ने, इसके पर दिखा दीजिए, ये छोटी सी मादी ने जी, और अभी गर्मी में 5-6 घंटे उड़ी हुई कबूतरी है। आपके तो कबूतर मैंने कई बार देखा है, चाहे जब उड़ाते रहते हैं आप। हाँ वो क्या, जब मन निकलता है, जब हफ्ते 10-15 दिन में निकाल लेता हूँ जी। पंजे इसलिए इनको नीचे छोड़ के और दिखाते हैं। तो दोस्तों अपन ने पहला पैर देखा, अभी दूसरा पैर हमारे अर्पित भाई के लॉक का। अर्पित भाई इनके बारे में कुछ बताएं। ये कल्दू में ही कहते हैं इनको जी, ये भी दिल्ली की मशहूर नस्ल है। थोड़ा इनको मेरी तरफ कर दीजिए ऐसे, हाँ ये ऐसे, तो मेरे को दिख भी जाएंगे अच्छे से जी। अब बताइए, ये नर मेरे यहाँ 13.5 घंटे उड़ा हुआ है एक उड़ान में जी। रात में 8:45 सिंगल ये कबूतर आया था जी। ये कबूतरी मैंने इससे भी मिलाई है, उड़ती हुई कबूतरी है ये भी। ये अनिल नारायण जी हैं उज्जैन अपने दिल्ली में जी, बड़े भाई भी हैं, सलाहकार भी हैं, कबूतर के शौकीन भी हैं जी, तो उनने मेरे को ये कबूतर दी थी जी। देखिए आप, चलिए इनकी आंखों का शौक करते हैं और इनके परों से पता लगेगा ये उड़ान कितनी इनकी। दोस्तों ये नरस से स्टार्ट कर रहे हैं शौक, ये मादी है ये जी। अच्छा मर और ले लूँ? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब आ गई हाथ में, तो अपन मादी का शौक करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त ज़रात लिए हुए आके जी। इसके पर दिखा दिए, ये वाली दिल्ली की कबूतरी है ना जी जी, देख सकते हैं आप, पर देखिए आप जी, पंजे दिखा दिए। बहुत शानदार, 13.5 घंटे उड़ा हुआ है जी, अपनी ये वाली पे, अपनी छत पे 13.5 घंटे उड़ा हुआ है। सेकंड उड़ान में 8:45 उतरा था ये, 6:55 पे कबूतर उड़े थे सुबह, 6:55 से उड़ के रात को के 8:45 उतरा था ये, 8:45। और उसके बाद क्या हमसे थोड़ी सी लापरवाही हो गई, हम लोग सारे साथी इसके बंद कर दिए जी, और चाय वाय पीने चले गए, ये वापस फिर उड़ गए तो 11 बजे उतरे। 11 बजे जी, ऐसा ही होता है, जब खुशी का माहौल भी होता है तो कुछ भी दिखता नहीं है। ये मुख्य कबूतर है अपने यहाँ का जी, ये दोनों टूर्नामेंट में उड़ाया ही, इसको भी ऑरेंज पोता हुआ था पूरा साफ, वो तो झाड़ा करते रहते हैं कबूतर तो साफ हो जाते हैं पूरे, बहुत शानदार। चलिए इनको पिंजरे में रख के दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पहला जोड़ आपको दिखाया था ये छोड़ते ही सीधे ऊपर चली गई, और बहुत बड़ा लॉफ्ट है तो इसलिए सही से फोकस भी नहीं पा रही, इसलिए हमने फैसला करा कि नीचे रख के दिखाएंगे आपको थोड़ा सा। दोस्तों ये वो पेयर है जो अभी आपको शो करने को मिला, और इसलिए छोटे से पिंजरे के अंदर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इनका सब कुछ देख सकें। इसलिए इनको खोल देता हूँ, कितने ताकतवर होते हैं, सीधे ऊपर की तरफ भागते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं ये बिल्कुल। और एक और मद्रासी बेयर हमारे अर्पित भाई का, अर्पित भाई इसके बारे में कुछ बताएं। ये कल्दू में जोड़े हैं अपने यहाँ की जी,
ये नरी केवल अकेला 10-12 घंटे उड़ता, पर इसकी थोड़ी सी बुराई है, बुराई भी आप सुन लीजिए, ये तुकड़ी में नहीं उड़ते हमारे भाई, अलग जाके उड़ते, पर 10-12 घंटे की पक्की उड़ान ये जोड़की की अलग अलग सिर्फ ये नर की। और कबूतरी तो तुकड़ी में उड़ती है अच्छी, 6-7-8 घंटे उड़ी कबूतरी मेरे यहाँ की, शो कर लीजिए। और यहाँ पे भी मैं देख बताना चाहूँगा दोस्तों, जब इस छत पे उड़ान होती है नॉर्मल सी जो उड़ाते हैं, तो इनको कुछ दिया नहीं जाता, क्योंकि मद्रासी कबूतर के बारे में बहुत फेमस है कि ये जब तक इनको कुछ दिया ना जाए पत्ती वगैरह, तब तक ये पूरी उड़ान नहीं दिखाते। लेकिन इस छत पे आप कभी भी आके देखेंगे तो आपको 8-10 घंटे की उड़ान कोई भी मद्रासी कबूतर की आराम से देखने को मिल जाएगी हमारे अर्पित भाई की लॉफ्ट पे। तो ये नर ये वाला, ये मादा है, मादी है ये वाली, ये भी उड़ी हुई कबूतरी आपकी छत की जी, आगे देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बैठ और बढ़ा दूँ तो और अच्छी नज़र आएगी। ये आँख की ब्लिंक देखिए पल पल जी, बहुत बढ़िया है। इसके पर देखते हैं, तुम देख लीजिए ये पर दिखा दीजिए, बहुत ताकतवर कबूतर रहते हैं ये। कन्या देखिए जी, चले नर का शो करते। तो ये नर है, बहुत बेहतरीन है। ये उज्जैन में हमारे भाई है, उनके यहाँ का कबूतर है अतुल यादव जी जी, बड़े भाई भी वही है, सलाहकार भी वही है, मद्रासी के चैंपियन भी वही है, और नवीन यादव अतुल यादव दोनों भाई हैं हमारे जी, उन्हीं के यहाँ की नस्लें हैं। देखिए पर पंजे और दिखा दीजिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। छोड़ने के बाद ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए पिंजरे में फिर से रखते हैं इनको हम, और आपको पैर का शो कराते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल चंचल मचलते हुए कि बस बाहर निकल जाएं हम, तो इनको खोल भी देते हैं ताकि ऊपर निकलेंगे। देखिए आप, बहुत अच्छा सेटअप है इनका, दिन भर धूप मिलती रहती है कबूतरों को, बहुत ऊँची छत है। अभी आपको लोकेशन भी और दिखाएंगे हम। अर्पित भाई आप कौन से कबूतर का शो करा रहे हैं? ये भी नफ्ते ही कहते हैं जी, ये सफ़ेद कबूतरी मैंने मिलाई है, मेरे यहाँ की उड़ी हुई कबूतरी 8-9 घंटे, ये तो तीनों दोनों टूर्नामेंट में 12-12 घंटे उड़े हुए कबूतर है जी। चलिए अपन पहले आँख से शुरुआत करते हैं जी, आप दोस्त चाहें उस कबूतर से। तो ये नर से शुरुआत कर रहे हैं शोक की दोस्तों, ये कबूतर भी अपने टूर्नामेंट में अच्छा उड़ा हुआ है जी, और दोनों टूर्नामेंट में 7-8-11 घंटे से कम नहीं बैठा ये कबूतर। और इसकी बहन भी मैंने टूर्नामेंट में लगाई थी, एक एक पर में शाम बैठी थी, बहुत बढ़िया एक एक पर की कबूतरी 10 घंटे कुछ मिनट करके बैठी थी। और ये सारे बचाव वाले कबूतर हैं कि बाज बेरी को देखते ही बंद हो जाते हैं। हाँ, इनमें क्वालिटी है कि पट्टी 2-2 घंटे की, लोग कहते हैं कि पट्टी अपने यहाँ के तो कबूतर पट्टी 2 घंटे की उड़ती जी हाँ, छत पे से गायब रहेंगे 2-2.5 घंटे फिर आपको वापस कायम दिखेंगे, दूसरी जगह से आते हुए दिखेंगे जी जी, जहाँ नॉर्थ में रहें और वापस वेस्ट से आते वेस्ट से आते हैं। इनमें क्वालिटी है, बहुत ही कम मद्रासियों में ये क्वालिटी होती है। ये एक हमारे यहाँ की जी मशहूर नस्ल है, एक कबूतरी का नाम मैंने रखा 10 बजे जी, वो हर वक्त 10 बजे आती है, उसकी बड़ी बहन है जी, आप इसका भी शौक कर लीजिए, ये घर के ही बच्चे हैं। तो 10 बजे से मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर शाम को 6 बजे उड़ाएंगे तब भी रात को 10 बजे आएगी जी जी जी, है ना, और सुबह अगर आप बढ़ते जाओ तो भी 10 बजे आएगी। वो मुझे क्या है, एक हमारे मित्र ने कहा कि आप उसको बढ़ा के देखो जी, तो फिर भले ही वो टाइम से आ जाए जी हाँ, पर उसने कभी अपना टाइम नहीं छोड़ा, रात में 10 बजे ही आई, वो 10 बजे ही आती है जी। वो कबूतरी का भी मैं अगली जोड़ में आपको शो कराऊंगा जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये छोड़ते छोड़ते में उड़ गए ऊपर दोनों के दोनों नरमा दिन, तो चलिए और शो करते हैं दूसरे पेयर का। मैं जोड़ के ले लूँ जी, इसका बताइए कुछ। ये वही 10 बजे कबूतरी, इसी का नाम है 10 बजे, चाहे आप शाम को उड़ाओ 6 बजे तो रात में 10 बजे आएगी, आप बढ़ते जाओ 2-2 घंटे ऊपर तक जी। मैं बढ़ते बढ़ते सुबह 7 बजे तक बढ़ गया, और 7 से रात को 10 बजे 10 बजे आई है ये कबूतरी। ये उसी की पहले वाली कबूतरी की बहन है, ये छोटी बहन है, और ये तो खूब देसी वालों ने भी खूब इसकी वीडियो डाली है, और मुझे फोन ला के कहते थे भैया कबूतर बंद कर लो। अच्छा, हाँ आप छोड़ गए हो एक, अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसे परेशान करते थे कि मैं उसको छोड़ के भागता था जी। बहुत शानदार, ये हमारी टुकड़ी का मेन कबूतर है जी, जो पूरी टुकड़ी लेके चलता है, जो सब कहते कमांडर जी, लीडर कमांडर जी जी, ये वही मेन कबूतर है। ये भी दोनों तीनों टूर्नामेंट में 13-12 घंटे से पहले नहीं बैठा जी।
बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं। पर अभी शनाई पर बारिश की वजह से और नए आ रहे हैं, ये 5 साल हो गए हैं इसको उड़ तोड़ते, पर हाँ इस साल भी बिल्कुल पक्का उड़ेगा ये कबूतर। दोस्तों कोई भी कबूतर हो आप आराम से 0 कली से लेके 15 साल तक उसको रेगुलर उड़ा सकते हैं और ब्रीड ले सकते हैं। बस ये है कि उड़ाने से 3-4 महीने पहले उनको सही करना रहते हैं, जोड़ से हटाना रहते हैं और कबूतर 15 साल तक रेगुलर उड़ सकता है। ये देखिए कितनी तेज़ स्पीड होती है इनकी। ये वाला कौन सा कबूतर है? ये भी कलदुमई कबूतर है जी। ये भी मेरे अपने अतुल यादव जी हैं उज्जैन में जी, उनके यहाँ की नस्ल है। और ये अपनी कैसे उड़ा हुआ है अभी? ये टूर्नामेंट में 13-12 घंटे की इसकी उड़ान है। इसका मैं आपको एक किस्सा बताऊं, जैसे कल आपकी उड़ान है जी, एक दिन पहले हम गैप देते हैं जी, ये गैप में ये कबूतर मंजे में आ गया, पीछे बच्चे लोग मतलब पतंग उड़ाने वाले मंजे, पतंग उड़ा के मंजे में आ गया जी। ये रोड पे लटक भी गया जी, नीचे लटका रहा तार पे वहाँ छत नीचे रोड पे से 15-20 फीट ऊपर। फिर मैंने लड़के से पतंग वतंग तोड़वाई, पतंग टूटने के बाद ये कबूतर घाव लगे में मेरे पास आया जी। और एक दिन का रेस्ट देके मैंने दूसरे दिन टूर्नामेंट में उड़ाया, उसमें उड़ा भी दिया उसको जी, घाव में हल्दी लगे में उसको 13 घंटे उड़ाया मैंने। ये मेरा मेन कबूतर है। ये देखिए आप, तो इसकी आँख का शौक करते हैं एक बार। दोस्तों ये बहुत कम मिलते हैं वाइट रिंग के जी। जी इसके पर देखते हैं जी, बहुत बढ़िया। ये कबूतरी है, ये कबूतरी देखिए इसकी आँख की क्वालिटी देखिए। अभी यही नर्स किसे लगा रखी जी? जी हाँ, उसी नर्स से मादा लगा रखी। ये नवीन यादव जी हैं उज्जैन वाले, उनके यहाँ की नस्ल है, मशहूर नस्ल है, उनके यहाँ के सफ़ेद बहुत उड़ते हैं जी। तो स्पेशली इस नर के लिए ये मादा वहाँ से लेके आया था। ये बहुत ही कम आप मद्रासी देखेंगे जब जाके, कम से कम 100 मद्रासी देखेंगे और इससे अच्छी आँख बहुत कम मिलेगी। आँख में डबल रिंग है, येल्लो का शेड है ब्लैक वाली रिंग के ऊपर जी, छोटी सी कबूतरी है। ये उनके यहाँ की उड़ी हुई है 6-7 घंटे, अब इस साल मेरे यहाँ उड़ेगी। पर तो बहुत जबरदस्त होते हैं मद्रासी कबूतरों के जी। बहुत शानदार। तो दोस्तों ये हैं हमारे अतुल भाई के मद्रासी पेयर, और पिछली बार भी देखिए आप यहाँ पे छोड़ा रखेंगे इसमें ही निकल के भाग जाएंगे। पिछली बार भी जोड़ा निकल के भाग गया था, रखती वो जगह ढूंढते। इसके बारे में बताइए। ये कबूतर अपने घर का ही कबूतर है जी, अपने यहाँ एक तिल कटा कबूतर है जो 10-1 घंटे उड़ा हुआ है टूर्नामेंट में, उसका लड़का है ये। अच्छा जी, इसकी माँ भी अपन ने सफ़ेद की जगह अपेक्षा काली मिलाई थी जी। तो ये देखिए आपको येल्लो का हल्का सा शेड ऊपर पॉइंट लिया हुआ जी, वो बहुत घेरी आँखों का कबूतर है, वो बहुत कम मिलते हैं। वाइट रिंग ऊपर की, वाइट चोस और उसके बाद घेरी आँखें जी। जी दोनों आँखें देखो आप, दोनों तरफ रिंग देखो आप, ऊपर आपको रिंग सेम जगह पे आया है वो भी जी। जी जी ये तेल गड्डी नस्ल है जी। जी देखा ना, ये कबूतरी भी देखिए आप, अतुल यादव जी की आँखी है उज्जैन की जी। और मेरे यहाँ तो लखवे में आ गई ये कबूतरी, पर हाँ मेरे यहाँ मैं अभी गर्मी में भी इसको उड़ा रहा हूँ, 5-4-6 घंटे से कम नहीं बैठ रही है। मतलब लखवे के अंदर ही कबूतरी उड़ रही है? कबूतरी बराबर मैंने उड़ाई है, अब जाके इसको सिर्फ जोड़ में मिलाया है मैंने जी। क्वालिटी देखिए आप, बहुत बढ़िया जी। पंजा और देखते इसके, बहुत शानदार। एक बार ये आँख की भी क्वालिटी बहुत यूनिक क्वालिटी है जी। जी ब्लैक है, उसके बाद येलो है, येलो है, वो बारीक बारीक जर्राक भी हैं, और फिर रेडीनेस है, रेडीनेस है चले इनको पिंजरे में छोड़ के दिखाते हैं। दोस्तों छूट के भग गया। अरविंद भाई मैंने एक चीज़ देखी है आपके लॉक पे जी, कि आपने अभी जितने भी जोड़े दिखाए जी, कोई अलग कलर में आपने पूरे पैर लगा रखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नर है या मादी है, ये इसके साथ आपने वाइट की पेयरिंग कर रखी है, और वाइट के साथ ब्लैक की पेयरिंग कर रखी है, तो इसमें क्या रीज़न है? रंग अहमियत नहीं देता है, सिर्फ परिवार अहमियत रखाता है कबूतर का, कौन से परिवार से बिलोंग करता है, किसने की इनकी उड़ान है,
और कौन कितने घंटे उड़ सकता है। तो रंग डिपेंड नहीं करता मद्रासियों में ज़्यादातर, तो अब जाके थोड़ा बहुत लोग थोड़ा रंग से डिपेंड करने लगे, वाइट है को वाइट से मिला, अगर मेरे पास वाइट है तो मैं ज़्यादातर अच्छी मादा हो, छोटे वजूद की हो और अच्छे घंटे उड़ने वाली कबूतरी हो तो वही मिलाऊंगा, चाहे वो कोई से भी रंग की। जी, मतलब आप जो मैंने वो उड़ान के ऊपर, उड़ान डिपेंड होती है, उड़ान डिपेंड होती है, रंग अहमियत नहीं रखा जी। जी जी, तो दोस्तों ये थे हमारे अर्पित भाई के कुछ बेहतरीन मद्रासी पेयर्स, और काफ़ी नाम है अर्पित भाई का भोपाल के अंदर मद्रासी कबूतरों के अंदर, और कई लोगों ने उड़ते हुए कबूतर देखे हैं यहाँ पे रातों को। तो अर्पित भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने शो करवाया मुझे और मेरे दोस्तों को, क्योंकि मद्रासियों का मैं बहुत कम शो कर पाता हूँ, लेकिन आपकी वजह से आज ये शो भी पूरा हो रहा है भोपाल के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अर्पित भाई के लिए एक लाइक ज़रूर मिलेगा, इन मद्रासी कबूतरों के लिए एक लाइक, इन उड़े हुए कबूतरों के लिए एक लाइक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।